दोस्तों, पुराने दौर की सदाबहार जोड़ियों के बारे में बात की जाए तो हमारे जहन में न सिर्फ और सिर्फ सायरा बानो और दिलीप कुमार की छवि ही आ जाती है, जिनके बीच उम्र का फासला ही बताता है कि दोनों के बीच में कितना प्यार है। तभी तो ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का दिल यूं तो कई अभिनेत्रियों पर आया, लेकिन जिसने दिलीप कुमार का दिल चुराया था वो थी सायरा बानो। यूं तो दिलीप कुमार सायरा बानो की हर एक अदा पर फिदा हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उनकी कुछ फिल्मों की बात आती है तो उनका प्यार उनके लिए खत्म सा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है आपने, ये बात ना बिल्कुल शत प्रतिशत सच है कि आपके फेवरेट ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो की कुछ फिल्में देखना तो दूर की बात, उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करते हैं। तो आखिरकार कौन सी हैं वो फिल्में और ऐसा क्या है उन फिल्मों में कि उन्हें वो फिल्में देखना भी बिल्कुल गवारा नहीं है। अगर आप भी इन सभी बातों के बारे में सोच रही हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और साथ इस ब्यूटीफुल कपल के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर एक, झुक गया आसमान। इस लिस्ट में इनके पति दिलीप कुमार, जिनकी इन फिल्म को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो उन फिल्मों में सबसे पहला नाम झुक गया आसमान का शुमार है। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो कितना तहलका मचाया था, तो आखिरकार ऐसी कौन सी वजह रही कि इनके पति को ये फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे की असल वजह है कि इस फिल्म में काम करने के दौरान ही तो सायरा बानो राजेंद्र कुमार के प्यार में गिरफ्तार हो गई थी। यही वजह है कि इस फिल्म को ये देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये इस फिल्म को देखेंगे तो उन्हें उनकी पत्नी का पास्ट याद आ जाएगा। नंबर दो, जमीर। जी हाँ, झुक गया आसमान के बाद जमीर फिल्म का ही नाम शुमार है, जिससे इनके पति देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि फिल्म में ये काफी लाचार दिखाई दी थी। साथ ही साथ इन्हें काफ़ी चोटें भी आई हुई थी। जब सायरा बानो ने दिलीप कुमार के इस सीन के बारे में डिस्कस किया तो वो इस सीन को सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो उठे थे। जब ये इतने सुनकर भाविक ही हो उठे तो आप यही सोचिए कि अगर ये इसको देख लेते तो उनका क्या हाल होता। तभी से इन्होंने ठान लिया था कि इस फिल्म को ना कभी भी नहीं देखेंगे। नंबर तीन, सगीना। इन फिल्मों में एक नाम साल 1974 में आई फिल्म सगीना का भी है, जिसे इनके पति दिलीप कुमार देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दरअसल इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि इनका इमोशनल ड्रामा नहीं बल्कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होना था। जी हाँ, सायरा बानो की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी, और एक पति अपनी पत्नी को हमेशा ही टॉप पर देखना चाहता है, और यही वजह है कि सायरा बानो के करियर की इस फ्लॉप फिल्म को भी वो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते। नंबर चार, आदमी और इंसान। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में दिलीप कुमार इनके जिस फिल्म को देखना पसंद नहीं करते हैं उसका नाम आदमी और इंसान है। इस फिल्म के नाम को सुनने के बाद आपके मन में यही ख्याल आ रहा होगा ना कि ये फिल्म दर्शकों के बीच इतनी ज़्यादा हिट और लोकप्रिय हुई थी कि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए पागल हुए जा रहे थे, तो फिर इनके पति इस फिल्म को देखना क्यों नहीं चाहेंगे। तो बता दें कि इस फिल्म को ना देखने के पीछे की वजह है कि इस फिल्म में सायरा बानो के साथ साथ मुमताज भी नजर आई थी। यूं तो दोनों ने ही इस फिल्म में काफी अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन दर्शकों ने इनके अभिनय को इग्नोर करते हुए मुमताज के अभिनय को ज्यादा पसंद किया था, जिसकी वजह से सायरा बानो को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो इस फिल्म का नाम तक लेना पसंद नहीं करती हैं। और जब इनकी पत्नी को इस फिल्म से इतनी ज़्यादा नफरत है तो भला ऐसे में बेशुमार प्यार करने वाले इनके पति देव यानी कि दिलीप कुमार भला इस फिल्म को कैसे देख सकते हैं। वेल दोस्तों, आपको अभिनेत्री मुमताज की कौन सी फिल्म ना पसंद है आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।